बैंक तो नाक रगड़ेंगे, टांगा पकड़ेंगे आपकी, आज उठेंगे ना पैर भी पकड़ेंगे नांगे। इतना मजाक बना रखा है कानून का, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। इन्हें लोन नहीं दिया था तो जान ले इसकी, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको काम करना है, क्या करना है, क्या है। अब बैंक क्या कर रहे हैं, चवन्नी छाप को पीछे लगा रहे हैं, लोगों को परेशान और रास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन कर रहे हैं। इन्होंने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, हजारों आदमी सुसाइड कर चुके हैं और लाखों आदमी की आत्महत्या के कगार पे इन्होंने बचा दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको अपने राइट्स पता होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये नाक रगड़ेंगे। भाई ये चवन्नी छाप लगे हैं, पीछे लगाए किसने हैं, बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने। आप सबसे पहले एक बात समझे कि ये ठीक है कि आपने लोन लिया, दो लोन डिफॉल्ट हो गए, पांच हो जाए, 25 हो गए, कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं है। पहली बात तो आप क्रिमिनल नहीं है, चाहे 25 के 25 लोन डिफॉल्ट हो गए। दूसरी बात, बैंक के पास कोई ऐसे राइट्स नहीं है कि आपकी बेइज्जती करवाए, आपकी मानहानि करवाए, आपको गाली गलौज करवाए या बदतमीजी से पेश आए। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए बस। अगर ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधा ब्रांच हेड से मिलें, एक रिटर्न में एप्लीकेशन दें कि भाई ये आपकी ब्रांच के ये जो चवन्नी छाप हैं, ये इसका नाम है, ये मेरे साथ अपशब्द बोल रहा है, कल को मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, मानहानि का भी दावा करूंगा, आपके बैंक को भी पार्टी बनाऊंगा और आपको भी पार्टी बना लूंगा साथ में। क्यों, अथोराइज किसने किया इसको मेरे पीछे लगाने का? भाई पैसे नहीं है तो ड्यू टू प्रोसेस चल यार, केस कर दे मेरे ऊपर, वो फांसी दे देगा क्या? फांसी भी भाई कोर्ट देगा, अगर सारे काम नहीं मार दूंगा तो भी कोर्ट फांसी देगा, ये चवन्नी छाप थोड़ी दे देंगे यार। सबसे पहले वहां करें, ब्रांच में भी नहीं जाना, आप कस्टमर केयर पे फोन कर दें या इनकी मेल आईडी ले ब्रांच हेड की, मेल आईडी पे इनकी मेल करें और उसका प्रूफ रखें। भाई साहब 70% चांस है कि आपका वहां से काम होगा। ना होए, इनका एक नोडल ऑफिसर होता है, वो इसी काम के लिए हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी में, वो उसका इनकी वेबसाइट पे ही उसका मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा आपको, मेल आईडी भी मिल जाएगी, उसके पास उसकी कंप्लेंट कर दे, ब्रांच हेड की भी कंप्लेंट कर दे, भाई मैंने इसके पास कंप्लेंट करी थी, ये मेरे पास प्रूफ है और ये कार्रवाई नहीं कर रहा जी, और मेरे को परेशान और हरास किया जा रहा है, मैं कोर्ट में जाऊंगा और फिर बैंक की भी बेइज्जती होएगी और आपकी भी साथ में बेइज्जती होएगी और मेरे को जुर्माना भी देना पड़ेगा, कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी, और मेरी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आपका पैसा नहीं दे पा रहा। वहां पे भी आप सर्टिफाई ना हो तो एक होता है, जैसे आपने सुना होगा इंश्योरेंस अम्बुड्समैन, बीमा लोकपाल, ऐसे ही आम आदमी को नहीं पता एक बैंकिंग लोकपाल भी होता है, बैंकिंग अम्बुड्समैन, बीमा अम्बुड्समैन तो लोगों ने सुना है लेकिन बैंकिंग अम्बुड्समैन भी होता है। अगर वहां से भी असंतुष्ट नहीं है, वो कार्रवाई कर रहा है या पूरी सही तरीके से उनके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा, पूरी कार्रवाई नहीं कर रहा, बैंक के हक की बात कर रहा है, तो आप ठीक दाड़ आके अम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट कर दे। अम्बुड्समैन जो होता है वो एक बैंक का अधिकारी नहीं है, वो बाहर से आए के वो आदमी है, वो इनका बहुत बड़ा अधिकारी है इनके ऊपर। वो अगर आपको कोई बैंक की वजह से कोई लॉस हुआ, किसी भी तरह की परेशानी आई है या कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है 20 लाख तक का, तो वो आपको मुआवजा दिला सकता है, बैंक को आदेश दे सकता है कि भाई इसकी आपकी गुताही की वजह से इस आदमी का 20 लाख रुपए का नुकसान है, इसको 20 लाख रुपए दे। या आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं किया है, चवन्नी छाप बेच के आपको मानसिक परेशानी दबाव में डाल के आपकी बेइज्जती करवा दी समाज में, तो भी 1 लाख रुपए तक का बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा सकता है, उनके पास इतने राइट्स हैं। अगर आप वहां से भी संतुष्ट नहीं है, सीधा जाके आरबीआई के पास इनकी कंप्लेंट करते हैं ऑनलाइन। ऐसा ना करें कि पहली बार में सीधा आप आरबीआई के पास जा रहे, ऐसा नहीं। एक हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक सिस्टम बना हुआ है। भाई किसी की आपने मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी की आप किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो उसकी कंप्लेंट सीधा डीजीपी साहब के पास थोड़ी करोगे, पहले क्या करोगे, स्थानीय थाने या चौकी में करोगे, नई कार्रवाई होगी एसपी साहब का दे दोगे, नई कार्रवाई होगी आईजी साहब का दे दोगे, नई कार्रवाई होगी तो डीजीपी साहब का दे दोगे, नई कार्रवाई होगी तो सीधा कोर्ट में जाके कर सकते हैं, कासा दायर कर सकते हैं आप।
तो एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा सीधा डीजीपी साहब के पास मार्क कर दिया, वहां पे जाके कंप्लेंट कर दी। ऐसे ही बैंकिंग का भी है, आपको अपने अधिकार पता है, राइट्स पता है, तो कुछ भी सोचता नहीं है। मैं कह रहा भाई साहब, जो आप ब्रांच हट के पास करेंगे 70% आपकी समस्या का समाधान होने के पूरे पूरे चांस है। उसके बाद वहां नहीं हुई, नोडल ऑफिसर के पास चलेंगे, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतने ज्यादा चांस बढ़ते जाएंगे। सबका रिकॉर्ड रखे, भाई मैंने यहां भी कंप्लेंट कर दी, यहां भी कर दी और यहां भी कर दी। नोडल ऑफिसर के पास आपकी समस्या का समाधान 80% तक पूरे पूरे चांस है। उसके बाद वहां भी नहीं हुई, अम्बुड्समैन के पास चले गए, बैंकिंग लोकपाल के पास चले गए, वहां पे आपके भाई साहब 90% चांस है कि आपकी समस्या का समाधान होगा और इन 54 छापों को आपसे पीछे हटाया जाएगा। वहां पे भी नहीं हुई, रिजर्व बैंक के पास कंप्लेंट करें, 99% चांस है कि आपको रिलीव मिलेगा। फिर भी अगर ना मिले, किसी वजह से आपको लग रहा है यार मैं संतुष्ट नहीं हूं, पूरी कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई तो होगी, बैंक ने जितना मेरे साथ गलत किया था उतना उनके साथ गलत नहीं हुआ, तो ठाके कंज्यूमर कोर्ट में केस करें। पहली बात तो अगर वो आपके साथ अब शब्द बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करो उसके ऊपर, उसकी रिकॉर्डिंग करके एसपी साहब के पास शिकायत दे दो। उसके अलावा भी आपके पास राइट्स हैं, सीधा जाकर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दो इनके ऊपर, क्योंकि ये सेवा में कोताही बरत रहे हैं। ठीक है, आपने लोन लिया, आपने एक एग्रीमेंट कर रखा है, लेकिन एग्रीमेंट में यह भी बात सही है कि 50 तरह की शर्तें लिखी हुई थी और वो सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पक्ष की थी, लेकिन यह नहीं है कि उसमें कुछ भी लिख लेंगे, और चाहे उसमें कुछ लिख भी लिया यार, वो लॉफुल होना चाहिए, यह नहीं कि अनलॉफुल कुछ भी लिख देंगे उसमें। उसमें यह नहीं लिख सकते कि भाई अगर आपने 6 महीने के बाद पैसे नहीं दिए, या 6 महीने डिफॉल्ट कर दी, या 1 महीने डिफॉल्ट कर दी, तो आपकी टांग काट दी जाएगी। ये नहीं लिख सकता कि 54 छाप को भेज के आपको गालियां दुआई जाएंगी, आपकी बेइज्जती की जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा को खराब किया जाएगा समाज के अंदर, ये नहीं लिख सकते उसमें। अगर लिख दिया तो वो इनलीगल है, उसमें इनको जुर्माना होगा, आपको कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा आपको कोर्ट में जाके। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं और आपके पास सारे सबूत हैं, पूरे पूरे चांस है आपको जाके कोर्ट में स्टे भी मिलेगा। भाई साहब इनको नानी याद आ जाएगी, आरबीआई से ही नानी याद आ जाएगी, जब आरबीआई की ईमेल आएगी, या आपको ढूंढते फिरेंगे, नाक रगड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, 54 छाप नहीं, कोई सा छाप भी नहीं आनेगा। और कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दो, ठाके जब कंपनसेशन देना पड़ेगा ना, 10 लाख रुपए मांग लो उनका, 10 लाख रुपए दे भाई, ठाके मां नानी का दावा कर दो यार इनके ऊपर, जाके अपना जितना आपने मुआवजा मांग रहा सिविल कोर्ट में केस कर दो इनके खिलाफ, जाके कोर्ट में चले जाओ सीधे। इनको इनको भाई साहब आपने लोन लिया, आपने कोई क्राइम नहीं किया, या कोई क्राइम की श्रेणी में ना, डिफॉल्ट करना क्राइम की श्रेणी में है यार, कोई जानबूझ कर डिफॉल्ट थोड़ी कर रहा है, आम आदमी थोड़ी कर रहा है। जो आम आदमी, बहुत से आदमी मेरे पास कमेंट करे, सर मेरे को विदेश में जाना, मेरा लोन डिफॉल्ट रहे, रोक लेंगे। अरे वे रोक लिए थे यार 10-10 हजार करोड़ रुपया, वो नीरव मोदी भाग के, दारू के किंग भाज के, वो सारे भाग रहे विजय माल्या, और वे पकड़ लिए इनने, क्या कर लिया, 65-65, 70-70 साल के हो रहे वे, अरे 5-7 साल और के चलाएंगे, वे चले नहीं जाएंगे के हरिद्वार, वे 99 साल जीवेंगे के, ले लिए चेक, उन पता है। मेरे को एक बात नहीं समझ मान दी यार, 2 रुपए का पेन आवा है, जो सस्ता पेन आज भी आवा 2 रुपए का, वो बैंक में जब जाऊं बंधा रहे हो, एक रस्सी तो बांध कर रखा उन्हें। मैं भी कई बार अपने बैंक में जाऊं, मैं मैनेजर साहब मेरा दोस्त बन रहे, मैं कहूं यार यू बांध क्यों रखा, अरे 2 रुपए का तो पेन कोई लेके नहीं भाग सकता, तो 10 हजार करोड़ रुपए कैसे लेकर भाज गए भाई, इसका मतलब क्या है। अरे समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो नाडी है। तो भाई डरो घबराओ नहीं, किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक पे आपको एडवाइस चाहिए, सिद्धा मरदीप कादियान के पास आ जाओ।